दोस्तों, आप हमारे चैनल से रोग दूर हमेशा के लिए कर दें, क्योंकि बीमारी में बहुत सभी पैसा जो है वो लग जाता है और हम लोग खाली हाथे रह जाते हैं। तो खान पान के द्वारा जो है उस सभी बीमारी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक, पेट खराब हरदम क्यों रहता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा कि ऐसी जानकारी आप तक डायरेक्ट पहुंचती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है, गर्मियों में ज़्यादा रोटी खाने के कारण जो है वो पेट हम लोगों की पूरा बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। इसीलिए गर्मी के दिनों में दोस्तों रोटी रात के समय में थोड़ा सा खाएं और बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा चावल खाएं। सवाल नंबर दो, सुबह खाना खाने से पहले कौन सा दो काम जरूर करना चाहिए? इससे घर में लक्ष्मी आती है और बरकत भी होता है। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसका सही आंसर है, सुबह में जगने के बाद में दो काम, स्नान ध्यान, पूजा पाठ और बाल बच्चे से मेल मिलाव करके जरूर रहना चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी आती है और बरकत भी होता है और पैसा की आमदनी होती है। सवाल नंबर तीन, पेट के हर रोग दूर करने के लिए क्या करना चाहिए गर्मियों के मौसम में? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि ऐसी जानकारी आप तक पहुंचे। दोस्तों इसका सही आंसर है, गर्मियों के दिन में हर रोग दूर करने के लिए खाना कम, पानी ज़्यादा पीना चाहिए और पंखा कूलर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इससे शरीर स्वस्थ रहता है और बीमारी कोई प्रकार की नहीं होती है। दोस्तों सवाल नंबर चार, खून की कमी शरीर में क्यों कम हो जाता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा कि जानकारी आप तक डायरेक्ट मिलती रहे और पहुंचती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है, पेट में गैस बनने के कारण और जरूरत से ज्यादा काम करने के कारण इसीलिए शरीर में खून की कमी हो जाती है और रात में दूध या दही नहीं खाने के कारण। तो दोस्तों अगर आप लोग दही दूध नहीं खाते हैं तो रात के समय में जरूर थोड़ा सा दही या दूध जरूर लें। इससे सेहत सही रहता है और पेट जो है वो पूरा साफा रहता है। जब तक पेट आपकी साफा नहीं रहेगी तब तक खून नहीं बनेगा, गैस जब तक बनता रहेगा दोस्तों तब तक। सवाल नंबर पाँच, क्या खाने से लीवर में सूजन होती है और किडनी फेल हो जाती है और आंतरी भी फेल हो जाती है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कर देना। दोस्तों इसका सही आंसर है, ज्यादा अमरूद खाली पेट खाने से लीवर में सूजन और आंतों में सूजन और किडनी पूरा खराब, ये तीन बीमारी हो जाती है। इसीलिए दोस्तों खाली पेट आप लोग से हाथ जोड़ करके कहता हूं मैं कि बिल्कुल मत खाइएगा अमरूद, क्योंकि उसमें बहुत सभी पानी पाया जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास में जरूर कर देना। थैंक यू।